स्थानीय माली मोहल्ला स्थित तंजीमुल अंसारी कमेटी के जिला कार्यालय में तंजीम के अध्यक्ष अशफाक अहमद ने पूर्वाहन 9:15 ध्वजारोहण किया व तिरंगे को सलामी दी। मौके पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में अशफाक अहमद ने कहा कि मुल्क में आपसी सौहार्द व प्रेम का वातावरण बनाए, इस तरह देश को हम और भी अधिक ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि चंद लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, हमें उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है। संविधान की देन है कि हम भारतवासी सुरक्षित हैं, हमें सांप्रदायिक शक्तियों को नापाक मंसूबों को नाकाम कर देना है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें आज़ादी और हिफाजत की गारंटी देता है, हम गांधी नेहरू मौलाना आज़ाद डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आदर्श बनाएं। इनके अलावा डॉक्टर मकबूल मंजर, डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, हाजी शमीम रजवी ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तंजीम के सेक्रेटरी नसीम अहमद ने तंजीमुल अंसारी कमेटी के उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में तंजीम के कोषाध्यक्ष मोहम्मद सिराज अंसारी, सरपरस्त जियाउद्दीन अंसारी, हाजी मोबीन अली, हाजी नूर अजीजी, उपाध्यक्ष हाजी महबूब नूरी, कलाम आजाद, अधिवक्ता हुसैन वारिस, इम्तियाज अहमद, असगर हुसैन, डॉक्टर बॉबिन, असगर हुसैन, सदरुद्दीन खान सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।